हेलो फ्रेंड्स, सीसी मेट्स 122 पेपर जेनु यूनिट 1 जे छे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर ए आपणे जेने आपणे संकर संख्या तरीके दर्शावीए छीए अने फंक्शन एटले के विधेय। तो ऑफलाइन लेक्चर नी अंदर आपणे कॉम्प्लेक्स नंबर नी डेफिनेशन एने केवी रीते दर्शावामां आवे छे अने एना केटलाक एक्झाम्पल आपणे भणी चूक्યા छीए। હવે આપણે આ ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર આગળ એક થિયરમ, કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો થિયરમ અને એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ ગણીશું। તો ખૂબ જ અગત્યનો થિયરમ છે ડી મોઇવર્સ થિયરમ। તો તમને એક્ઝામમાં એવી રીતે પૂછે છે કે સ્ટેટ એન્ડ પ્રૂવ ડી મોઇવર્સ થિયરમ, એટલે કે આ જે એનું સ્ટેટમેન્ટ છે તમારે જાતે લખવાનું રહેશે। સ્ટેટમેન્ટ છે એનું, ઇફ એન બી અ રેશનલ નંબર then cos theta plus I sin theta raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta where I square is equal to minus 1। तो स्टेटमेंट શું થશે આનો, if n be a rational number, n rational number હશે અને cos theta plus I sin theta raised to n ને દર્શાવવો હશે તો કેવી રીતે દર્શાવાય, cos n theta plus I sin n theta where आई स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस वन, बराबर है। एन स्टेटमेंट है। हमें आप प्रूफ जोए तो फर्स्ट आपणे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जे छे एना बराबर शू धारी लईशुं, सीस थीटा, के कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू एने सीस थीटा तरीके दर्शाईशू, बराबर है। तो सीस थीटा वन डॉट सीस थीटा टू, तो सीस थीटा वन एटले केवी रीते लखाशे, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन एवी रीते लखाशे। हवे सीस थीटा टू एने लखवू होय तो कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, हवे आनो गुणाकार करीशुं अंदर, कॉस थीटा वन अने कॉस थीटा टू साथे गुणाशे पहेलुं, माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू आवशे प्लस आई साइन थीटा वन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आई स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा साइन थीटा वन अने साइन थीटा टू, ए पद अँ आवशे। पण अहीं डायरेक्ट ज आई कॉमन काढीने, मतलब कि आई वाला पद ने जोड़े लखी दीधा छे, एटले पहला शू लख्युं, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस जे वच्चेना जे पद हता, मतलब कि इमेजनरी पार्ट हता, आई वाळो जे पद हता ए बधा जोड़े लखी दीधा, आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वन कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। हवे कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, तो आ जे छे ए सूत्र छे कॉस थीटा वन प्लस थीटा टूनू, पछी कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, आ पण कोनुं सूत्र छे, साइन थीटा वन प्लस थीटा टूनू सूत्र है। तो अँ आवशे कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, क्लियर। अँ शू करूँ आपणे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह सीस थीटा लखी दीधा, तो सीस थीटा ने आ रीते दर्शावाय, तो सीस थीटा वन सीस थीटा टू ने पण आ रीते दर्शाई शकाय, सीस थीटा वन डॉट सीस थीटा टू बने गुणाकार करो, तो वन ने आ रीते दर्शाईशू और टू ने थीटा टू तरीके दर्शाईशू, तो बने गुणाकार करता अपन शूँ मे लास्ट में, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो कॉस प्लस आई साइन थीटा हो तो थीटा की जगह थीटा वन प्लस थीटा टू है, तो एना बराबर आप रीते लखी सकी सीस थीटा वन प्लस थीटा टू, तो सीस थीटा वन डॉट सीस थीटा टू आपणे शोध्या। तो एवी रीते करता जाइए अने सीस थीटा एन सुधीनो पद शोधीशू तो आपणने शू मळशे, इक्वल टू सीस थीटा वन प्लस थीटा टू थी थीटा एन। जुओ सीस थीटा वन अने सीस थीटा टू नो गुणाकार आपणे कर्यो त्यारे आपणने शू मळ्युं, सीस थीटा वन प्लस थीटा टू मळ्या। तो अहींया एम कहे छे के तमे सीस थीटा वन थी सीस थीटा एन सुधीना पदनो गुणाकार जो करशो तो तमने अहींया शुं मळशे, सीस थीटा वन प्लस थीटा टू थी थीटा एन, इक्वेशन वन आपी दईए। हवे एन विषे आपणने खबर नथी कि पॉजिटिव छे कि नेगेटिव छे कि अपूर्णांक छे, बराबर।
तो एने त्रण केसिसनी अंदर एक्जाम्पल आ रही थीअरम आप साबित करीशू। फर्स्ट केसनी अंदर लईए इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन जो पॉजिटिव इंटीजर हो तो पुटिंग थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा एन इन इक्वेशन वन। एन जो पॉजिटिव हो तो तुम थीटा वन बराबर थीटा टू पर लखी शको, थीटा टू थी एन सुधीनों सर है गुणाकार, तो एन ए बदाज थीटा इक्वल लखाश बराबर। एन मतलब कि सीस थीटा डॉट सीस थीटा थी सीस थीटा थे इज इक्वल टू सीस थीटा प्लस थीटा। थीटा क्या सुधी हे एन टाइम हे एन सुधीना पद से तो सीस थीटा एन घात इक्वल टू सीस एन थीटा हे तो साबित थी गयू। सीस थीटा एट कॉस थीटा प्लस आई थी आई साइन थीटा अने रेस टू एन जे आप साबित करवानु तो एना बराबर कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा आप साबित करवानु तो आई साइन एन थीटा जे आप साबित कर दीधु फर्स्ट केसनी अंदर। सैकंड केसनी अंदर आप जो है तो एन नेगेटिव इंटीजर लीए, जो नेगेटिव इंटीजर हो तो आप एन ने कई रीते दर्शाई शीए छे लेट एन इज इक्वल टू माइनस एम। एन नेगेटिव है मैं केव हे कोई माइनस संख्या हे एनी माइनस एम मतलब कि एम ग्रेटर देन जीरो तो कॉस थीटा रेस टू एन जे है एम एन बराबर माइनस एम मूकी दी। माइनस एम हो तो एने वन अपॉन सीस थीटा एम घात तरीके लखाश। हवे सीस थीटा वन अपॉन एम घात है तो नीचे की घात जो है पॉजिटिव हे वन अपॉन आ रीते लखी आप आ माइनस थी एने धन बनावा भागाकार में लख्यू, भागाकार में लखता तो पॉजिटिव थी गयू। पॉजिटिव हो तो सीस थीटा रेस टू एन, एन पॉजिटिव हो तो शूँ लखाय साइन थी एन थीटा तरीके तो एम पॉजिटिव हो तो सीस एम थीटा एवं लखी शक। हवे वन है वन की जगह आप नीचे शूँ कर दईसू कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा वड़े गुणी दईसू ऊपर ने नीचे तो ऊपर आप लखी दीदा नीचे सीस एम थीटा है तो कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा लखाए शू गुणे ऊपर नीचे कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा तो ऊपर एमना एम कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा नीचे शू आ गुणाकार करने की अपने शूँ मे कॉस स्क्वेर एम थीटा माइनस आई स्क्वेर साइन स्क्वेर एम थीटा तो ऊपर पद कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा एमना एम नीचे पद आ कॉस स्क्वेर एम थीटा माइनस था तो माइनस अने माइनस आने आई स्क्वेर एट माइनस वन तो अँ प्लस थी जैसे प्लस साइन स्क्वेर एम थीटा। हवे कॉस स्क्वेर प्लस एम साइन स्क्वेर हो तो त्या नीचे वन लखाय तो ऊपर की वेल्यू रहें कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। तो सीस थीटा रेस टू माइनस एम था तेरे अपन ने अँ शूँ मू एन की जगह माइनस एम था एट कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। केस थ्री जो एन इज अ फेक्टर हो बराबर तो आप फ्रेक्शन में हो मतलब एन इज इक्वल टू पी बाय क्यू फॉर्म में हो तो एन इक्वल टू पी बाय क्यू वेर पी बिलोंग्स टू जेड क्यू बिलोंग्स टू एन तो थीटा बाय क्यू थीटा ने रिप्लेस करिए थीटा बाय क्यू थी एट जे आगे थीटा देखाय छे ते आगे आप थीटा बाय क्यू लखीशू तो अहीं छे सीस थीटा तो थीटा की जगह आवशे थीटा बाय क्यू इज इक्वल टू सीस थीटा अहीं ऊपर एम लखीए तो आना बराबर सीस थीटा लखी शकाय एम लखो तो बराबर अहीं थीटा पी जे छे ऊपर लखीए तो एना बराबर आप सीस थीटा लखी शकीए पी अहीं गुणाय तो पी आर ए क्यू तो क्यू क्यू कैंसल थी जाए तो एटला सीस थीटा वधे माटे आना बराबर शू लखाय सीस थीटा। हवे अहीं ऊपर क्यू जे छे तो बन्ने साइड शू करीशू रूट होय तो आपणे शू करीए छे रूट ने काढ़वा माटे वन हाफ लईए छे बन्ने साइड वर्गमूल तो अहीं पण बन्ने साइड वन अपॉन पी रूट लईशू क्यू रूट लईशू बराबर तो क्यूब अहीं छे तो क्यूब रूट लेता अहीं क्यू जता रहेशे एटले अहीं वन थी जैसे घात इज इक्वल टू सीस थीटा वन अपॉन क्यू थे बने साइड पी घात लई लीए तो सीस थीटा बाय क्यू नी पी घात इक्वल टू सीस थीटा अहीं पी बाय क्यू घात। हवे पी बाय ऊपर पी है तो पी अहीं आई जैसे बराबर है सीस थीटा एमना एम पी बाय क्यू थीटा प्लस
આ શું લખાય છે સિન્સ થીટા બાય ક્યુ હોય કે સિન્સ થીટા હોય રેઝ ટુ એન હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ અહીંયા સાબિત કર્યું એ પ્રમાણે જે ઘાત છે એ થીટા જોડે ગુણાઈ જાય છે માઇનસ કરીને આઈ સાઇન કે પ્લસ હોય તો પ્લસ આઈ સાઇન જે ઘાત હોય એ ગુણાઈ જાય બરાબર તો અહીંયા ઘાત છે પી થીટા સાથે ગુણાશે પી બાય ક્યુ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન પી બાય ક્યુ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટા અને પી બાય ક્યુ આને આવી રીતે લખી શકાય એટલે કે કૌંસની બહાર જો પી બાય ક્યુ ઘાત હોય કે થીટા ક્યુ ઘાત હોય કે એન ઘાત હોય કોઈ પણ ઘાત હોય એ શું થશે આના સાદરૂપમાં થીટા જોડે ગુણાઈ જશે તો બાય કેસીસ વન ટુ અને થ્રી પરથી ડિમોઇવસ થિયરમ પ્રૂફ થાય છે બરાબર છે હવે નીચેની બે કોરોલરી જોઈએ કે કોસ થીટા માઇનસ આઈ સાઇન થીટાની એન ઘાત છે તો એના બરાબર શું લખી શકાય કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટાની રેઝ ટુ માઇનસ એન ઘાત માઇનસ ઉપર લઈ જાઓ તો તમે આના બરાબર પ્લસ લખી શકો છો તો કોરોલરી સેકન્ડ કોરોલરી શું કહે છે કોસ એમ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન એમ થીટાની એન ઘાત હોય તો એન જે છે એમ સાથે ગુણાઈ જશે બરાબર છે તો કોસ એન થીટા પ્લસ આઈ સાઇન એન થીટા અને જે એમ ઘાત હતી એ બહાર મૂકી શકાય છે એમ ઘાત તરીકે તો આગળનું એક્ઝામ્પલ ગણીશું તો તમે આ જે એમ ઘાત ઉપર મૂકો છો અને અંદર કેવી રીતે લખીએ છીએ એ આપણને સમજણ પડશે તો ડિમોઇવસ થિયરમ જે ખૂબ જ અગત્યનો છે એક્ઝામમાં પૂછાય છે તે થિયરમ આપણે સાબિત કર્યો જેમાં શું સાબિત કર્યું સીસ થીટા ની રેઝ ટુ એન ઘાત હોય તો એને સીસ એન થીટા તરીકે દર્શાવી શકાય બરાબર એ આપણે સાબિત કર્યું તો એનું એક્ઝામ્પલ એક આપણે જોઈએ પ્રૂફ દેટ કોસ થ્રી થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થ્રી થીટા રેઝ ટુ ફોર કોસ ફોર થીટા માઇનસ આઈ સાઇન ફોર થીટા રેઝ ટુ ફાઇવ ડિવાઇડેડ બાય કોસ ફોર થીટા પ્લસ આઈ સાઇન ફોર થીટાનો ઘન કૌંસમાં કોસ ફાઇવ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન ફાઇવ થીટાની માઇનસ ફોર ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન એટલે કે આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ લાવવાની છે આના બરાબર આપણે વન સાબિત કરવાનું છે તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ પહેલાં લખી દઈએ તો આખી લખી દીધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ હવે આપણે ડિમોઇવસ થિયરમનો યુઝ કરીશું આમાં તો કોસ થ્રી થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થ્રી થીટાની ફોર ઘાત એમના એમ હવે બાર ફાઇવ ઘાત છે તો અંદર શું છે ફોર થીટા છે બધાને પ્લસમાં ફેરવી દઈએ પ્લસમાં ફેરવવું હોય તો આગળનું કોરોલરી જોઈએ પ્રમાણે કોસ માઇનસ ફોર થીટા પ્લસ આઈ સાઇન માઇનસ ફોર થીટાની ફાઇવ ઘાત ડિવાઇડેડ બાય કોસ ફોર થીટા પ્લસ આઈ સાઇન ફોર થીટાની ત્રણ ઘાત કૌંસમાં કોસ ફાઇવ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન ફાઇવ થીટાની માઇનસ ફોર ઘાત હવે શું કરીશું આ જે થ્રી ઘાત છે કોસ થ્રી થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થ્રી થીટા ડિમોઇવસ થિયરમ પ્રમાણે તમે શું લખી શકો છો આ ઘાત ઉપર પણ જાય તો કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટાની ઉપર ઘાત લખાશે ત્રણ અને કૌંસ બાર ચાર ઘાત એવી રીતે અહીંયા પણ શું લખાશે કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટા એની કેટલી ઘાત છે માઇનસ જે થીટા સાથે ગુણાયેલું છે એ ઘાત સ્વરૂપે જતું રહેશે માઇનસ ફોર અને ઉપર ફાઇવ હવે આપણે ચાર તરી બાર થશે તો અહીંયા કેટલી ઘાત રહેશે બાર અને અહીંયા વીસ ઘાત થશે માઇનસ વીસ એવી રીતે નીચેના પદમાં પણ સેમ થાય છે તો બધા જ પદ ઉડી જાય છે ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ મળે છે અહીંયા વન મળી જાય છે ક્લિયર અહીંયા ટૂંકમાં જે ડિમોઇવસ થિયરમ એમ કહે છે કે કોસ થીટા જે છે કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટા એની એન ઘાત હોય કૌંસના બાર તો એ એન ઘાત જે છે થીટા સાથે ગુણાય છે એટલે કે કોસ એન થીટા પ્લસ આઈ સાઇન એન થીટા તરીકે આને દર્શાવી શકાય છે